गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी गाइस। आप लोगों को याद होगा जो मैंने मिग वेल्डर और आर्क वेल्डर के ऊपर वीडियो बनाई थी दुबई पे, उसको आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, हजारों लोगों ने वीडियो देखे। मैंने उन वीडियोस पे कमेंट पढ़े, कई सारे लोगों ने किए हुए हैं कि भाई आप टी वेल्डर के बारे में भी कुछ बताओ, जो कि टंगस्टन गैस वेल्डिंग होती है। इसके ऊपर कई सारे लोगों ने बेसिकली आईटीआई जो कोर्स किया हुआ है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रेशर के तौर पर काम सीखे हुए हैं, तो पूछ रहे थे भाई कितनी सैलरी मिल जाती है, बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है जॉब करने के लिए अभी के टाइम पे दुबई में। तो सारी चीज़ शेयर कर देता हूँ, पहले रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद मैं सैलरी बता दूंगा, फिर अप्लाई प्रोसेस क्या क्या सारी चीज डिटेल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनो। अगर आपने टीक वेल्डर का बेसिकली आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो आप एक काम करो, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लो, ठीक है। 1 ईयर 2 ईयर जितना हो सके कम से कम एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप फ्रेशर के तौर पे अप्लाई करते हो तो जॉब मिलने के चांसेस भी काफी कम होते हैं और सैलरी भी काफी कम लग जाती है। इसलिए एक काम करो, 1 ईयर या फिर 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लो, भले ही सैलरी कहीं कितनी भी कम मिल रही हो, ठीक है। सैलरी पर ध्यान मत दो, एक्सपीरियंस पर ध्यान दो। एक्सपीरियंस जितना हो सके ले लो, उस पर जॉब मिल जाता है तो सैलरी काफी अच्छी लगती है। बताऊंगा कितनी सैलरी मिलती है और साथ में क्या है, उसमें चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, 90% चांस रहता है कि जॉब मिल जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस रहेगा आप लोगों। अब बात करते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट है अभी के टाइम पे, वो है हेल्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि कोरोना के बाद थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो मेडिकल आप करवाओगे तो हेल्थ सर्टिफिकेट मिलेगा आपको डॉक्टर की तरफ से, तो अपने शरीर में कोई भी कमी हो, कोई बीमारी हो तो उसे दिखा करके ठीक कर लो, क्योंकि बाद में कई सारे लोगों का मेडिकल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। थर्ड चीज़, आपके ऊपर किसी टाइप का पुलिस केस क्राइम ऐसा कुछ ना हो, मिनिमम 10th और 12th पास हो। अगर आप फ्रेशर के तौर पर काम कर रहे हो तो फ्रेशर के तौर पर काम सीखे हो तो 10th पास आपका मिनिमम होना चाहिए विद 50% मार्क्स, ठीक है। 50% मार्क्स कम से कम हो आपके 10th में। फोर्थ चीज़, आपके ऊपर किसी टाइप का मतलब आपका हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस अपना करवा लेना, कि आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करोगे तो आपको बेनिफिट करेगा, तो इसलिए करवा लेना। कंपलसरी नहीं है बट बोल रहा हूँ ऐसे, ठीक है, कि करवा लेना। पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग का पैन कार्ड, आधार कार्ड, बेसिक बैंकिंग डिटेल, ये सारी चीज़ जरूरत पड़ती है। इसकी हम सैलरी के बारे में बात करें तो टिक वेल्डर की ऑन एन एवरेज सैलरी जो है वो 4000 AED से लेकर के 6000 AED तक पर मंथ मिल जाता है आप लोग को। वही में आप लोग कन्वर्ट कर लेना अभी के टाइम पे कितना है। और इसका अप्लाई प्रोसेस दो तरीका है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, क्लाइंट के थ्रू भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट वीडियो डाउट कमेंट, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ।